हेलो बच्चों, अपन मॉल कंसेप्ट के क्वेश्चन कर रहे थे और देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं जो लास्ट ईयर्स में नीट में भी पूछे गए हैं और उनके बेसिस पे और अपन कंसेप्ट है उनको अपन क्लियर करते हैं। तो पहला लिखो मैक्सिमम मास इन्वॉल्व्ड इन विच। क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मास इन्वॉल्व्ड इन विच, किसमें मैक्सिमम मास इन्वॉल्व है। ऑप्शन लिखेंगे 18 ग्राम ग्लूकोज, फर्स्ट ऑप्शन है 18 ग्राम ग्लूकोज, सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे 1.8 ग्राम मॉलिक्यूल मेथेन, 1.8 ग्राम मॉलिक्यूल मेथेन, थर्ड ऑप्शन आप लिखेंगे 3 × 10^24 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 3 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, साथ साथ में लिखेंगे 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन आप यहां पे लिखेंगे 1120 ml ओजोन एट एसटीपी। क्वेश्चन समझना, सबसे पहले आपको ये दे रखा आपको किसके अंदर, ये चार ऑप्शन आपके पास में, आपसे ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा मास किसके अंदर इन्वॉल्व है, मास कैलकुलेट करना है। तो पहले वाले ऑप्शन में आपने देखा, देखो मैं इधर इसको सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट वाले को आप देखोगे कि 18 ग्राम ग्लूकोज, यहां पर तो डायरेक्ट आपको दे रखा है ग्लूकोज का मास कितना है 18 ग्राम, तो फर्स्ट ऑप्शन का तो मास कितना हो गया 18 ग्राम। किस मॉलिक्यूल का मास सबसे ज्यादा है, किसमें किस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम मास इन्वॉल्व है, ये पूछा गया है इसके रिगार्डिंग। सेकंड देखो आपको दे रखा 1.8 ग्राम मॉलिक्यूल मेथेन, ग्राम मॉलिक्यूल याद करो बेटा, ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम का मतलब ग्राम आयन, इसका मतलब क्या होता है मोल से। तो सेकेंड वाले को सॉल्व करके बता रहे ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब किससे होता है, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब किससे होता है, मोल से ही होता है, अपन ने पढ़ा था ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल। तो कितना मोल हो गया आपके पास में, आपके पास में मोल कितना है 1.8, और आप ये जानते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कैलकुलेट करते हो तो मोल को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मॉलिक्यूलर मास से, तो मास किसके बराबर होगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या होगा 1.8, ये तो ग्राम मोल आपके पास में 1.8, ये तो मोल है, आपको कैलकुलेट करना मास देन मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास। मेथेन का देखो आप, मेथेन का देखो कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 है, कितने हाइड्रोजन आपके पास है 4, तो कितना हो गया 16, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 16, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सॉल्व करेंगे ऑलमोस्ट आएगा 28.8 ग्राम। तो ग्लूकोज का मास तो कितना था 18, सेकेंड वाले का मास कितना गया 28.8 ग्राम। थर्ड वाला देखो आप, थर्ड में आपको क्या दे रखा है 3 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ओजोन के मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मास पूछा है, मास और मॉलिक्यूल का रिलेशन नहीं होता, बताया था गोस थ्रू मोल। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे मोल ऑफ ओ2, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दे रखे तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हो, डिवाइड बाई अवोगैड्रो नंबर, ये कितना है 3 × 10^24 डिवाइड बाई अवोगैड्रो नंबर 6 × 10^23, तो कितना होगा 5, ये तो हो गया मोल आपके पास में 5। लेकिन आपको तो मास कैलकुलेट करना है, तो मास, मास में क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होता है 32, तो कितना होगा 160 ग्राम, ये हो गया 160 ग्राम। फोर्थ ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, फोर्थ वाला देखो यहां पे, फोर्थ में बेटा आपको ये लिख रहा है एसटीपी के ऊपर आपको वॉल्यूम गिवेन है, वॉल्यूम का मास के साथ रिलेशन नहीं है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना आपको मोल कैलकुलेट करना है देन मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कैलकुलेट करोगे, मोल क्या होता है एसटीपी पर वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू होता है मोल इंटू 22.4 लीटर, एमएल में क्या होगा 22400, तो यहां पर क्या होगा एमएल में दे रखा है, ये एमएल है
22400, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इसे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में क्या आएगा, मोल। करो 1/20 मोल, लेकिन आपको तो कैलकुलेट करना है मास। तो मास में आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो। ओजोन O3 होता ना, ओजोन O3, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो गया 48। 1/20 मल्टीप्लाई 48 तो कितना हो गया 2.4 liter, सॉरी 2.4 gram। तो आपसे पूछा गया था मैक्सिमम मास किसका है, तो किसका आ गया मैक्सिमम मास, ओजोन ऑक्सीजन का कितना रहा है 160। तो बेटा जहां पर भी मॉलिक्यूल देर का वॉल्यूम गिवेन हो, मास पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट नहीं है, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका मोल कैलकुलेट करना है, फिर उस मोल को किससे रिलेट करना है, उसके मास से। पॉज करके लिख लो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने के बाद में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन मैं यहां पे करवा दूंगा। तो मास मैक्सिमम किस में आ गया, अब देखो मैक्सिमम वॉल्यूम किस में आएगा ये अपन कैलकुलेट करेंगे। उतार लिया, ओके नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वॉल्यूम इन्वॉल्व इन विच, किसमें मैक्सिमम वॉल्यूम इन्वॉल्व है, मैक्सिमम वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन लिख देते हैं, पहला ऑप्शन है 3 into, चलो मैं बोल के लिखवाता हूं, 3 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन एट STP, 3 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन एट STP, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, 1 kg फॉस्फिन, 1 kg फॉस्फिन, ये होता है PS3 फॉस्फिन, 1 kg फॉस्फिन पूछा गया, मैक्सिमम वॉल्यूम किसमें होगा। थर्ड लिखेंगे, 1 kg मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी 1 gram मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन एट 27 degree centigrade एंड 1 atmospheric प्रेशर, 1 gram मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन एट 27 degree centigrade एंड 1 atmospheric प्रेशर। फोर्थ लिखेंगे, 1 meter cube ऑक्सीजन एट STP, ऑक्सीजन एट STP, 1 meter cube ऑक्सीजन एट STP। तो आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, पहला मॉलिक्यूल दे रखा है, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम का रिलेशन नहीं होता, किसके थ्रू जाओगे, मोल के थ्रू। तो एक एक को सॉल्व करो, ट्राई करो अपने से। सबसे पहले कैलकुलेट करोगे मोल, मोल में क्या होता है, गिवेन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23, कितना हो गया 1/20। ये तो आ गया आपके पास में मोल, लेकिन आपको तो क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। STP दे रखा है ना, STP पे वॉल्यूम क्या होता है, मोल इनटू 22.4 liter, तो कितना होगा 1.12 लीटर पहले का आ गया आपके पास में। सेकंड, 1 kg फॉस्फीन दे रखा आपको, 1 kg फॉस्फीन मास गिवेन है, मास गिवेन है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये भी STP पे मान लेना, एट STP गैस है, एट STP 1 kg फॉस्फीन, फॉस्फीन दे रखी है आपको, सबसे पहले वही मोल कैलकुलेट करोगे, मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता तब तो डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर, मास गिवेन होता देन डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करते हो, उसके मॉलिक्यूलर मास से। 1 kg इसका मतलब कितना हो गया 1000 gram, फॉस्फोर्स का होता 31, 3 hydrogen है तो कितना हो गया 34। ये तो हो गया इसके आपके पास में इसके मोल, आपको कैलकुलेट करना वॉल्यूम,
वॉल्यूम में क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर, इससे मल्टीप्लाई करो और इसको बेटा आप सॉल्व करके देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आता है 6658 लीटर के आसपास आता है, देख लेना लगभग में 658 या 59 के आसपास आएगा, सॉल्व कर लेना इसको अपने से। मेथड समझो क्या है आपका, तो बेटा यहां पर आपको दे रखा था 1 kg वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप उसका पहले क्या बनाओ, मोल 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम। थर्ड आप देखो 1 gram मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ग्राम मॉलिक्यूल, व्हाट इज द मीन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, यानी एक मोल है ओजोन एट 27 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मींस आपको एसटीपी की कंडीशन नहीं गिवेन है, एंड एसटीपी नहीं गिवेन होती है क्या लगाते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इससे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, तो वी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी अपॉन पी, मोल 1, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ही क्या होता है मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इट मींस 1 मोल, आर 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 1, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको याद रखने के लिए बोला हुआ, कितना होता 22.6 लीटर, ठीक है। फॉर देखो 1 m³ ऑक्सीजन एट एसटीपी, 1 m³ मतलब क्या होता है बताया हुआ, 1 m³ इक्वल टू होता 1000 लीटर, 1 m³ इक्वल टू होता 1000 लीटर, ये सब बताया, 1 dm³ इक्वल टू होता 1 लीटर, तो 1 m³ इक्वल टू क्या हो गया 1000 लीटर, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा हो गया 1000 लीटर, इजी सर। तो आपको मैक्सिमम मास कहां पे, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, मैक्सिमम मास कहां पे होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पे होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कहां पे होगा, क्योंकि मोल और मॉलिक्यूल तो एक ही बात है, क्योंकि जितने जिसके मोल होंगे अवगेद्रो से मल्टीप्लाई के उतने ही मॉलिक्यूल, लेकिन नंबर ऑफ एटम में, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो नेक्स्ट उस पर क्वेश्चन करेंगे अपन, उतार लो इसको, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि सही दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नीचे तक दिखाई दे रहा है, उतार लिया, ओके। तो पहला आपको मास मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम किस में होगा, ऐसे ही मैक्सिमम एटम का और आपको बता देते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन विच, मैक्सिमम वॉल्यूम है उसकी जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन विच, सबसे ज्यादा एटम किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिखो फर्स्ट ऑप्शन 1 kg फॉस्फीन, 1 kg फॉस्फीन COCl2, सॉरी फॉसजिन COCl2, 1 kg फॉसजिन COCl2, और इसके साथ में इसका मॉलिकुलर मास आपको गिवन है, ये कंसीडर करना, मॉलिकुलर मास आपको मानना इसका 100, हालांकि 99 के समथिंग होता है, लेकिन आपको देर का क्वेश्चन में कितना मानना है 100। सेकेंड है 2 gram molecule ऑफ ग्लूकोज, 2 gram molecule ऑफ ग्लूकोज। थर्ड है इन 1000 molecule ऑफ सुक्रोज, इन 1000 molecule ऑफ सुक्रोज। फोर्थ लिखेंगे इन 120 ml, 20 लीटर लिख लेना, लीटर एथेन एट एसटीपी। चलो एक को लिखवा देता हूं, 5 gram atom ऑफ नाइट्रोजन,
ग्राम एटम नाइट्रोजन। आपसे ये पूछा गया सबसे ज्यादा एटम किसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करना, सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो, एन से मल्टीप्लाई करोगे तो अवगेद्रो नंबर आ जाएगा, फिर एक मॉलिक्यूल में अवगेद्रो सॉरी एन से मल्टीप्लाई करोगे या अवगेद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में एटम आ जाएंगे, एन की फॉर्म में कैलकुलेट कर लो। तो देखो पहला, चलो इधर मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन, ये पांच ऑप्शन बना रखे, 1 kg COCl2 सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे मोल, 1000, 1 kg मतलब कितना हो गया 1000, और मॉलिक्यूलर मास कितना बता रखा 100, कितने मोल हो गए 10, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हो मल्टीप्लाई बाई अवगेद्रो नंबर एन ए, साथ में आपने यहां पे देखा नंबर ऑफ एटम, तो एक मॉलिक्यूल में एटम कितने प्रेजेंट है, यहां पर एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो सीएल, तो टोटल कितने एटम हो गए 4, नंबर ऑफ एटम्स तो के 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 40 एनए, एनए की टर्म निकालो और एनए की वैल्यू जानते हो 6 × 10⁻², ये फर्स्ट होगा 40 एनए। सेकेंड देखो 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, एक ग्लूकोज में कितने एटम हो गए 24, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब होता है मोल, तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 2। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स, मोल में सबसे पहले मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 2 × NA, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाई एक एटम में कितने 24, तो कितना होगा 48 NA, मोल कैलकुलेट किया, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है मोल, दो गए, दो तो इसके पास मोल है, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे तो एन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एटम कैलकुलेट करोगे तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो उसे मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड वाला देखो सुक्रोज, ये होता है सुक्रोज, C12H22O11, ठीक है कितने एटम हो गए 45, एक मॉलिक्यूल दे रखा है, ये अकेला मॉलिक्यूल ही है, ये तो लिखा नहीं यहां पर, एक मॉलिक्यूल दे रखा है तो एनए से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएंगे, फिर एनए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होंगे मॉलिक्यूल, एनए से एनए कैंसिल आउट तो क्या होगा 1000 मॉलिक्यूल ही तो है, 1000 मॉलिक्यूल दे रखा है और एक में कितना होता है 45, तो कितना होगा 45000। एथेन क्या होता है, एथेन C2H6 कितने एटम प्रेजेंट है 8 एटम प्रेजेंट है, तो सबसे पहले एसटीपी की कंडीशन है तो सबसे पहले मोल ऑफ एथेन, मोल कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा वॉल्यूम 22.4, ये तो आपके पास में क्या आ गए इसके मोल आ गए, कितना होगा कैंसिल करके देख लो मल्टीप्लाई 10.2, कितना रहा 50 मोल। फिर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे एनए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 50 NA, लेकिन आपसे तो कैलकुलेट करना नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा एक में कितना 8, तो मॉलिक्यूल जितने भी है उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो कितना होगा 8 से मल्टीप्लाई करोगे 400 NA। 5 का और बता देते हैं, ये फोर्थ वाला होगा, ये थर्ड वाला होगा, 5 नंबर, 5 ग्राम एटम नाइट्रोजन, वही है ग्राम एटम मतलब क्या हो गया ग्राम मोल, ग्राम एटम हो ग्राम आयन, इसका मतलब क्या होता है मोल ही तो होता है, तो आपके पास में कितने मोल है 5 एटम की फॉर्म में ही है
5 ग्राम एटम लिखा ना, इसका मतलब 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ एटम 5 मोल, नंबर ऑफ एटम तो 5 मोल थे नाइट्रोजन एटम। नंबर कैलकुलेट करोगे तो एन ए से मल्टीप्लाई कर दो 5 Na। बेटा ग्राम एटम है, इसका मतलब 5 मोल नाइट्रोजन एटम, 5 मोल है नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई Na, तो 5 Na, तो सबसे ज्यादा क्या होगा 400 Na, किसमें आ रहा है फोर्थ वाले। उतारो इसको, उतार लिया। ओके नेक्स्ट करवाते हैं, और क्वेश्चन करवाते हैं यहां पर। ये बेटा बेसिक वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में स्टाइकोमेट्री वगैरह अपन पढ़ेंगे, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे। पहले आपको मैं मोल के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए इसमें बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई अपन ने। लिखो, मैं बोल के लिखवाता हूं आपको। क्वेश्चन लिखेंगे, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम रेशियो ऑफ हीलियम हाइड्रोजन एंड ओजोन, वॉल्यूम रेशियो ऑफ हीलियम हाइड्रोजन एंड ओजोन आर 1:2:3। वॉल्यूम रेशियो कितना है 1:2:3। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एटम्स, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एटम्स एंड रेशियो ऑफ देयर मास, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एटम्स, रेशियो ऑफ देयर एटम्स एंड रेशियो ऑफ देयर मास। वॉल्यूम रेशियो दे रखा है, मास का रेशियो और एटम का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो बेटा जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही तो मोल का रेशियो होता है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से। सॉल्व करके बता दें, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन, जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है मोल का। वॉल्यूम रेशियो आपको दे रखा, देखो वॉल्यूम ऑफ हीलियम, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना रेशियो है 1:2:3। देन मोल ऑफ हीलियम, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ओजोन, इनका रेशियो भी क्या होगा 1:2:3। लेकिन आपको तो मोल का रेशियो पूछा ही नहीं है, आपसे तो किसका रेशियो पूछा है एटम्स। तो जो मोल का रेशियो होगा उससे मॉलिक्यूल बनाओगे तो Na से मल्टीप्लाई करोगे, तो मॉलिक्यूल का रेशियो भी वही होगा जो मोल का रेशियो होगा, क्योंकि Na से मल्टीप्लाई करोगे तो Na कैंसिल हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का रेशियो, तो यहां पे कितना हो गया हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए और ओजोन के लिए, तो 1 × Na × 1, ये तो 1 ही हो गया। Na को तो छोड़ दो आप, क्योंकि Na तो सब में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो 2 है और 2 ही एटम है तो कितना हो गया 4, यहां पर 3 और 3 एटम है तो कितना हो गया 9, तो क्या होगा 1:4:9। फिर से बता रहे, जो वॉल्यूम रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, वही रेशियो मॉलिक्यूल का होता है। आइडेंटिकल रेशियो होते हैं किसके, वॉल्यूम मोल एंड मॉलिक्यूल्स। एटम में तो देखो मॉलिक्यूल में, इसमें तो एक ही एटम है, यहां पर 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर देखो मास का रेशियो, मास ऑफ, फिर से मैं इधर बता रहा हूं मास का रेशियो, ये तो एटम्स का रेशियो होगा, मास का रेशियो पहले देखो, मोल ऑफ हीलियम, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ओजोन 1:2:3। मास क्या होता है मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, हीलियम का कितना होता है 4, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना होगा 2, तो कितना हो गया 4, और इसका कितना होता है 48 ओजोन का, तो ये कितना होगा 1 और 36, 4 से कैंसिल करोगे 1, ये कितना होगा 12,
तो कितना होगा, 12 होगा ना, 12 मल्टीप्लाई 3 36, तो 1:1:36। उतार बेटा एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन। मॉलिक्यूल का रेशियो वही होगा, एटम का रेशियो देखोगे तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो मोल वाले को। मास का रेशियो होगा तो जो मोल का रेशियो होगा मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास। तो वॉल्यूम रेशियो देखकर आपको मास और एटम का रेशियो पूछा, ऐसे माइंड में सेट रहो कि आपको क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, तो उसे कैसे सोल्व कर, लिख लिया? ओके, पॉज करके लिख लो और करवाते हैं। इस बार वाला क्वेश्चन आपको करना है पॉज करके, साथ साथ में लिखेंगे, लिखो। मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 7:8। मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 7:8 एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना है, मास का रेशियो देर का वॉल्यूम रेशियो, तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन नहीं होता, गोस थ्रू मोल। तो आपको क्या देर का वेट या मास पहुंच करके आप करोगे, मास का रेशियो देर का सबसे पहले मोल का रेशियो बना लो, और जो मोल का रेशियो होता है वही क्या होगा, वॉल्यूम रेशियो होता है। तो मास ऑफ एन टू, मास ऑफ ओ टू क्या है, 7:8। तो मोल का रेशियो मोल ऑफ एन टू मोल ऑफ ओ टू, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 4:28, 8:32, 1/4, 1/4, मोल का रेशियो क्या होगा, 1:1। तो जो मोल का रेशियो होता है वही क्या होता है, वॉल्यूम रेशियो होता है, तो वॉल्यूम रेशियो भी क्या होगा, वॉल्यूम रेशियो 1:1। तो ध्यान रखना जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, वही मॉलिक्यूल का रेशियो होता है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, नीट में पूछा हुआ है, इसको पहुंच करके उतार लो। जब भी मास दे रखा है वॉल्यूम से रिलेट करना है, गोस थ्रू मोल, मोल के थ्रू जाना है। एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखो, मैं लिखवाता हूं आपको, लिखो। एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर हीलियम ओजोन एंड मेथेन, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर हीलियम ओजोन एंड मेथेन आर टेकन इन डिफरेंट कंटेनर्स, आर टेकन इन डिफरेंट कंटेनर्स, इन डिफरेंट कंटेनर्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम, हैविंग इक्वल वॉल्यूम एट गिवेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवेन टेम्परेचर एंड प्रेशर विच क्वांटिटी इज आइडेंटिकल फॉर ऑल, विच क्वांटिटी इज आइडेंटिकल फॉर ऑल, कौन सी क्वांटिटी सबके लिए सेम होगी। ऑप्शन लिखेंगे, एटम, एटम्स, सेकेंड मास, थर्ड मॉलिक्यूल्स, फोर्थ नन।
बेटा डिफरेंट कंटेनर के अंदर आपको हीलियम, ओजोन और मेथेन गिवेन है, लेकिन उन सबका वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम सेम होने पे कौन सेम होगा? मोल। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मोल इनटू आओगे दोनों नंबर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम आइडेंटिकल, लेकिन एटम डिफरेंट हो गए। जैसे हाइड्रोजन हीलियम की बात करें तो वन होगा, ओजोन होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाई थ्री, मेथेन मल्टीप्लाई बाई फाइव। मास भी क्या होगा? मोलिकुलर मास डिफरेंट है तो मास भी डिफरेंट होगा, सिर्फ क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। तो ये ध्यान में रखना है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूल्स। तो ये था बेटा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मोल का। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके स्टाइकियोमेट्री पर बेस्ड प्रॉब्लम्स और स्टाइकियोमेट्री।